कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद यूपी की राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर राजेवाल समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चे ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। कहा बिजली पर अध्यादेश वापस हो। आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने और मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान। कहा 3 कृषि बिल वापसी का सर्टिफिकेट चाहिए जिससे हम बता सके कि हमारी जीत हुई है। 26 नवंबर को दिल्ली के हर बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। माइक्रो लेवल पर चर्चा के लिए 27 नवंबर को अगली बैठक होगी। 29 नवंबर को किसानों का संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। किसान नेता रणदीप लोहबच ने कहा बैठक में पीएम मोदी के ऐलान की भाषा पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, इससे किसान आहत है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हिम्मत सिंह गुर्जर का बयान। बोले 24 नवंबर की कैबिनेट की बैठक में सरकार कृषि बिलों को वापस लेने पर क्या बात करती है, इस पर 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा करेंगे। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा झूठे जुमले झेल चुकी जनता पीएम की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। किसान सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। लिखा किसानों को चुनावों के समय कानून वापस लेने का छलावा नहीं, एमएसपी और फसल का हक लूटने वाले कानूनों का समूल नाश चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान। कहा अभी समय अनुकूल नहीं है, आगे दोबारा किसान बिल लाया जा सकता है। सरकार के कदम की सराहना की। कृषि कानून वापसी पर बोले दिग्विजय सिंह, जब तक संसद में बिल वापस नहीं हो जाते तब तक इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिल वापस लाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले किसानों और सरकार के बीच विश्वसनीयता की कमी थी, पीएम के ऐलान से खाई पटेगी। कलराज मिश्र और साक्षी महाराज को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा बहुत बड़े नेता का बहुत बड़ा फैसला। मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाया। बाराबंकी में AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कृषि कानून बिल की तरह CA NRC को भी सरकार को वापस लेना चाहिए, ये भी असंवैधानिक है। अगर कृषि कानून को फिर लागू करेंगे तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। किसान कानून वापसी के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। 55% लोगों ने कहा प्रधानमंत्री के ऐलान का चुनाव पर असर पड़ेगा। 31% लोगों ने कहा नहीं पड़ेगा। स्नैप पोल में 59% लोगों ने कहा मोदी सरकार किसान समर्थक है, 29% ने किसान विरोधी माना, तो 12% ने कहा पता नहीं। सर्वे में शामिल 52% लोगों ने कहा कानून वापस लेकर पीएम मोदी ने सही किया, 31% लोगों ने फैसले को गलत बताया। स्नैप पोल में शामिल 36% लोगों ने कहा किसान कानून वापस लेने से विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा, 35% ने माना नहीं पड़ेगा, 29% बोले पता नहीं। और आइए कुछ और अहम खबरों का फटाफट अंदाज में आपको अपडेट देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का मिश्रण यूपी, आज गोरखपुर और कल कानपुर में बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, जीत का देंगे मंत्र। राजधानी लखनऊ में जेपी नड्डा आज यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक, पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम पर भी होगी चर्चा, फिर योगी आदित्यनाथ के घर पर डिनर से पहले कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो की शेयर, लिखा हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अंबर से ऊंचा जाना है, नया भारत बनाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर तंज, इसी के बाद उन्होंने भी लिखा दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर हाथ रख कुछ कदम संग चलना पड़ता है।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन है। पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह यादव के साथ बेटे अखिलेश मनाएंगे जन्मदिन। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और भाई शिवपाल सिंह यादव सैफई में करेंगे दंगल का आयोजन। चंदीराम स्टेडियम में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम। बाराबंकी में जागा ओवैसी का कुर्मी प्रेम। बेनी प्रसाद वर्मा की जमकर की तारीफ। कहा मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, नहीं तो सभी बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत लेते। बलिया में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा बीजेपी के नेताओं को नागपुर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी के नेता सावरकर के बच्चे हैं, हमेशा माफी मांगते हैं। रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह का बड़ा आरोप। चुनाव के दौरान की जाने वाली मेहनत स्टंटबाजी है। प्रियंका गांधी का 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा लॉलीपॉप है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। मोगा में कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं। कल अमृतसर में व्यापारियों के साथ करेंगे संवाद। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में किया रोड शो। दिल्ली की तर्ज पर स्कूल अस्पताल बनवाने और मुफ्त तीर्थयात्रा करवाने का किया वादा। हरिद्वार में ऑटो वालों से संवाद में बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सरकार बनाने में ऑटो वालों का 70% योगदान। ऑटो वाले हमारे मुरीद हैं। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल ने 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ दिलाई। सचिन पायलट खेमे के 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान। मंत्री पद न मिलने से कुछ विधायक नाराज नजर आए। साफिया जुबेर और जवाहरलाल मीणा ने शपथ ग्रहण समारोह से बनाई दूरी। मंत्रिमंडल में फेरबदल से नाराज विधायक दयाराम परमार ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी। बोले कौन सी काबिलियत हासिल करें ताकि भविष्य मंत्री बन सकें। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज विधायकों को मनाने का गहलोत सरकार का नया फॉर्मूला। 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया। कैबिनेट विस्तार पर सचिन पायलट बोले ये बड़ा और अच्छा फेरबदल है। आलाकमान ने सभी कमियों को पूरा किया। 4 दलितों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से अच्छा संदेश जाएगा। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर निशाना। कहा 15 में से सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री पद दिया, यानी कि सिर्फ 20%। यूपी में 40% प्रतिनिधित्व का झूठा वादा किया। त्रिपुरा में शायनी घोष की गिरफ्तारी पर घमासान। टीएमसी के 15 से ज्यादा सांसद दिल्ली पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा। टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में देगा धरना। त्रिपुरा में टीएमसी नेता शायनी घोष की गिरफ्तारी के बाद सियासत हुई और तेज। अभिषेक बैनर्जी आज त्रिपुरा जाएंगे। कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा है। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू पर घमासान अभी जारी। कांग्रेस ने सिद्धू के बयान से बनाई दूरी। अभिषेक मनु सिंह भी बोले इस पर बोलने में असमर्थ हूं। सिद्धू ने कहा था कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। सिद्धू के बयान पर मुंबई में राम कदम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी की सिद्धू और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और राम कदम के समर्थकों के बीच हुई भारी झड़प। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत के मामले में पिता चांद मियां ने प्रियंका गांधी को लिखी चिट्ठी। सीबीआई जांच की मांग उठाने की अपील की। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की भरपाई के लिए भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने वसूली केस में गिरफ्तारी से राहत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर आज आदेश देगा बॉम्बे हाई कोर्ट। याचिका में नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में आयकर भवन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में बघेल कैबिनेट की आज अहम बैठक। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर हो सकता है बड़ा फैसला। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।